Good morning students, welcome to maths class standard 3. We will continue our revision chapter 4 long and short. Okay, long and short में मैंने previous period में filling the blanks कराई थी, आज भी हम filling the blanks ही कराए हैं क्योंकि इस chapter में कोई ऐसे बड़े-बड़े sums नहीं है. Okay, यहाँ पे हमें simple से things सीखनी है कि centimeter, meter and kilometer जो unit of length है ना, सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर क्या है, तो लेंथ के यूनिट है. तो वो हमने प्रीवियस पीरियड में डिजिटल में मैंने सारी चीजें आपको बता दी जा रही हूँ. आज हम वही कंटिन्यू करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स. ओके, तो आपको इस तरह की फिलिंग द ब्लैंक्स होती है ना, तो वहाँ पे आपको पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है, तो हम यही ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे. ओके, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स लिखी है 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स डैश मीटर. तो कितने मीटर होता है, तो वो हमें सिंपल सा वो मेजरमेंट है, तो वो पता है हमें कि 100 सेंटीमीटर दैट मीन्स 1 मीटर. कितने मीटर? 1 मीटर. तो यहाँ पे आएगा 1 मीटर. ओके, फिर है 275 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर. तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे 200 है, 200 है प्लस 75. ओके, तो 200 दैट मीन्स 2 मीटर तो हुए, 75 सेंटीमीटर है, तो 75 सेंटीमीटर है तो वो 100 नहीं है, दैट मींस वो मीटर में कन्वर्ट नहीं होगा. दैट्स व्हाई हमें उसे क्या लिखना पड़ेगा, 2.75. क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 2 देन पॉइंट करना है यहाँ पे बीच में, पॉइंट एंड 75. ओके, तो 2.2 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर ही रहेगा. ओके, वो मीटर में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ 75 है, वो 100 होता तो वो सीधा मीटर में कन्वर्ट हो जाता, बट यहाँ पे 75 है तो यहाँ पे सेंटीमीटर का सेंटीमीटर ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे पॉइंट रख देना बीच में. वैसे आप देखते जाओगे तो 275 तो बीच में क्या किया है हमने, 2 जो डिजिट आपको पता होनी चाहिए है ना, जैसे ये 275 है, तो जो 3 डिजिट जो होती है 100 प्लेस पे जो होता है 100 टेंस एंड वंस. ओके, तो 100 प्लेस पे जो होता है वो मीटर में हो जाता है ना, 100 प्लेस पे जो होता है वो मीटर में होता है, बाकी जो होता है वो सेंटीमीटर में होता है. ओके, इसलिए हमें 100 प्लेस पे 2 है, दैट मींस 2 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर ही रहेगा, इसलिए 2.75. अभी यहाँ पे है 1000 मीटर, तो वो आपको नॉर्मल जो है बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि 100 सेंटीमीटर दैट मीन्स 1 मीटर एंड 1000 मीटर दैट मीन्स 1 किलोमीटर. वो आपको रूल है, वो आपको याद रखना ही पड़ेगा. जैसे सबट्रैक्शन करते हैं तो हम ऑलवेज 10 ही बोरो करते हैं है ना, वैसे ही इसका भी ये रूल है कि आप अपनी मर्जी से नहीं रख सकते हो कि नहीं मुझे तो लगता है कि 100 मीटर तो 1 किलोमीटर हो जाएगा, नहीं वो 1000 मीटर कंप्लीट होगा तभी वो 1 किलोमीटर कंप्लीट होगा. ओके, देन नेक्स्ट है 500 मीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर. तो आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि 500 मीटर है ये, तो किलोमीटर कहाँ से आंसर आएगा, किलोमीटर कहाँ से आंसर आएगा, बट 1000 का हाफ कितना होता है 500, जैसे 10 का हाफ 5, तो 1000 का हाफ 500, कितना हुआ 500, दैट मींस यहाँ पे आप लिख सकते हो हाफ किलोमीटर. क्या आंसर आएगा, हाफ किलोमीटर, आप इस तरह से लिख सकते हो, अदरवाइज 1.5 इस तरह से भी लिख सकते हो. ओके, 500 मीटर दैट मींस हाफ किलोमीटर. ओके, 500 मीटर दैट मींस हाफ किलोमीटर. नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक से फाइव नंबर कि 850 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर एंड डैश सेंटीमीटर. अभी यहाँ पे देखो दो फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है, तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा. जैसे 100 प्लेस पे क्या है, जैसे ये 100 टेंस एंड वंस है, तो नंबर क्या है 850, तो जो 800 प्लेस पे है वो क्या आएगा, मीटर में आएगा, दैट मीन्स 8 मीटर 800 हुआ. हम उसे अलग करेंगे तो 800 प्लस 50 है, तो 100 एंड 10 को हम अलग करेंगे, 800 प्लस 50 दैट मींस 8 मीटर है एंड सेंटीमीटर में आएगा 50. ओके, क्योंकि वो पूरा 100 नहीं है,
क्लियर हो रही है सारी चीजें? आई होप आप लोग समझ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारी एग्जाम होगी, आप लोगों की भी एग्जाम होगी, तो अगर आप लोग नहीं देख रहे हो, नहीं सुन रहे हो ना, तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। ओके, तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज वॉच वीडियो, लिसन मी एंड राइट डाउन प्रॉपरली इन योर नोटबुक। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर क्या है? 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो अभी हमें यहाँ पे 2 मीटर दैट मीन्स 200 है ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है हमें मीटर को सेंटीमीटर में, तो 2 मीटर दैट मीन्स 200 एंड 50 सेंटीमीटर ये दैट मीन्स 50 प्लस 50 करना है, 0, 5 एंड 2, तो कितने हो जाएंगे 250 सेंटीमीटर, कितने हो जाएंगे 250 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से आप ऐड करके भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हो। तो कन्वर्ट किस में करना है वो आपको पहले देखना पड़ेगा। ओके, जैसे ये था मीटर में कन्वर्ट करना था, ये मीटर में, ये किलोमीटर, ये सेंटीमीटर है ना, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आप फिर जल्दी जल्दी में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते। ओके, चलो नेक्स्ट 7 नंबर, 9 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है, 9 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, 9 मीटर दैट मीन 900 सेंटीमीटर हुए प्लस 20 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 0 के ऊपर भी 0 है, तो यहाँ पे 2 आएगा एंड 9, दैट मीन्स 920 सेंटीमीटर। क्या आंसर आएगा? 920 सेंटीमीटर। ओके, आप इस तरह से करोगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आती जाएगी कि हमारा आंसर कैसे आ रहा है। ओके, आंसर इम्पोर्टेंट नहीं है, आंसर क्या है कि आंसर आप लिख लोगे, मैंने बोर्ड में लिखा है आपने लिख लिया, बट आपको वो चीज प्रॉपरली समझ नहीं है। अगर आप कुछ चीज समझोगे नहीं ना तो आपको करने में प्रॉब्लम ही होगी। जब आप, अभी क्या हो रहा है कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं, घर में आपके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स आपको हेल्प कर दे रहे हैं, तो आप इजीली लिख पा रहे हो, बट जब ऐसा हो कि आपको खुद लिखना, आपको बुला लिया जाए स्कूल में एंड आपको एकदम ही एग्जाम देनी पड़े, तो आप किस तरह से कर पाओगे अगर आप चीज़ें प्रॉपर समझोगे नहीं तो, है ना। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि साउंड्स हो या फिलिंग द ब्लैंक्स हो, उससे पहले आप प्रॉपर समझो। ओके, 8 नंबर करते हैं। 910 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। ओके, 910 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि 900 है, यहाँ पे सिर्फ सीधा पॉइंट रख देना है। 910 मीन्स 9 मीटर तो है, बट ये 10 जो है वो कंप्लीट 100 नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट 9.10 मीटर। क्या आएगा? 9.10 मीटर। 9 नंबर, 3750 is equal to 10 kilometer। ओके, तो यहाँ पे 3750, 3000 that means 3 किलोमीटर तो है, क्योंकि 1000 that means 1 किलोमीटर है ना, 1000 meter that means 1 किलोमीटर है, यहाँ पे 3000 है, तो 3000 that means 3 किलोमीटर तो है ही, 3.750, यहाँ पे पॉइंट है 750, क्योंकि 750 जो है वो कंप्लीट 1000 नहीं है, इसलिए वो मीटर में ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे आप इस तरह से 3.750 किलोमीटर बीच में पॉइंट रखना पड़ेगा। अदरवाइज क्वेश्चन अलग तरीके से इस तरह से आए कि 3500 मीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 3 किलोमीटर एंड 500 दैट मीन्स हाफ किलोमीटर हुआ, तो आप
3.5 किलोमीटर इस तरह से लिख सकते हो। ओके, 3.5 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर फिलिंग द ब्लैंक्स है वो अलग तरीके से आए कि 4720 मीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर एंड 10 मीटर। तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि 4000 है दैट मींस 4 किलोमीटर है, 4000 दैट मींस 4 किलोमीटर है एंड 720 जो है वो कंप्लीट 1000 नहीं है, इसलिए वो कहाँ पे आएगा, मीटर में आएगा, 720 मीटर। ओके, तो ये इस तरह से 4720 मीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर एंड 10 मीटर, तो 4 किलोमीटर एंड 720 मीटर। ओके, चलो आप पहले ये फिलिंग द ब्लैंक्स नोटबुक में प्रॉपर राइट डाउन कर लीजिए, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ। वैसे 5 किलोमीटर 700
7 मीटर कंप्लीट होता है ना, 20 लेफ्ट रह जाता है, तो वो कहां पे आएगा? सेंटीमीटर में. ओके, तो इस तरह से ये फिलिंग द ब्लैंक आपको कंप्लीट करनी है. मैं इस साइड का रफ कर रही हूं. ओके, और एक फिलिंग द ब्लैंक कर लेते हैं हम. Length of coconut tree.
साड़ी ऑफ योर मदर, साड़ी ऑफ योर मदर। सिक्स नंबर, बेडशीट, शीट। सेवन नंबर, क्लासरूम टू स्कूल गेट, क्लास रूम टू गेट। एट नंबर, पेंसिल। नाइन नंबर, हाउस टू स्कूल। टेन नंबर, अहमदाबाद टू डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सूरत। ओके, तो यहाँ पे ये जो सिंपल सा है कि विच यूनिट विल यू यूज टू मेजर द फॉलोइंग थिंग्स, आप कौन सा यूनिट यूज करोगे। यहाँ पे मैंने आपको ऐसा पूछा ही नहीं है कि उसका मेजरमेंट कितना है, आपको मेजर करके थिंग्स बताने की जरूरत ही नहीं है। तो सब लोग मेजरमेंट करके 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये सब लिख रहे हैं। यहाँ पे ये वो करना ही नहीं, यहाँ पे सिंपल सा सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर इतना ही लिखना है। तो नेल मतलब किल। ओके, तो उसका मेजरमेंट आप किससे करोगे, मीटर टाइप से करोगे, स्केल से करोगे, या फिर वो किलोमीटर का बड़ा सा मेजरमेंट यूज करोगे, क्या करोगे। तो यहाँ पे नेल है, तो नेल को हम सिंपल से स्केल से भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर, सिर्फ आपको सीएम लिखना है, उसका पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं लिखना है। नेक्स्ट है मोबाइल, तो मोबाइल में हम सेंटीमीटर से ही हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लेंथ ऑफ बनाना, यहाँ पे लेंथ ऑफ बनाना, तो बनाना की लेंथ हम किससे मेजर कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं सेंटीमीटर, क्योंकि बनाना भी इतना छोटा सा ही होता है ना, बनाना इतना ही होता है, तो उसके लिए मीटर टेप की जरूरत नहीं है। फिर लेंथ ऑफ कोकोनट ट्री, तो कोकोनट ट्री कितना, कोकोनट ट्री वर्ड यूज हुआ, कोकोनट नहीं, कोकोनट छोटा होता है। ओके, तो उसे आप स्केल से मेजर कर सकते हो, सेंटीमीटर से मेजर कर सकते हो, बट यहाँ पे वर्ड क्या है, कोकोनट ट्री। तो कोकोनट ट्री को मेजर करने के लिए मीटर टेप, अभी उसके लिए भी किलोमीटर में नहीं जाएगा क्योंकि वो मीटर में ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा मीटर, सिर्फ एम लिखना। ओके, नेक्स्ट है साड़ी ऑफ योर मदर, आपकी मम्मी की साड़ी, तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, किलोमीटर होती है, बहुत लंबी होती है, नहीं, वो मीटर में आएगी। तो यहाँ पे आपको लिखना है सिर्फ एम, क्या लिखना है, एम। नेक्स्ट है बेडशीट, आपके घर में जो बेड होता है, बेड के ऊपर जो चादर होती है, बेडशीट होती है वो, तो वो मीटर। ओके, नेक्स्ट है क्लास रूम टू गेट, क्लास रूम टू स्कूल गेट, स्कूल के गेट तक का डिस्टेंस, तो वो बहुत किलोमीटर नहीं होगा, वो सिर्फ मीटर में आएगा, कहाँ तक आएगा, मीटर। ओके, नेक्स्ट है पेंसिल, तो पेंसिल तो आपकी इतनी छोटी सी होती है, तो पेंसिल का मेजरमेंट आप इजीली सेंटीमीटर से कर सकते हो, स्केल से कर सकते हो। यहाँ पे आंसर आएगा सीएम, क्या आंसर आएगा, सीएम। फिर हाउस टू स्कूल, आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस, तो वो आप मीटर से नहीं कर सकते हो, वो किलोमीटर तो हो ही जाता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा केएम, क्या आएगा, किलोमीटर, केएम। ओके, नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू सूरत, डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू सूरत, अहमदाबाद से लेके सूरत तक का जो डिस्टेंस है, तो उसके लिए मीटर नहीं आएगा, क्या आएगा, किलोमीटर, क्या आंसर आएगा,
cm that means centimeter, m that means meter, k that means kilometer, okay, जो उसके short form है. अब एकदम ही simple सी thing है. फिर अगर अगर आपको पूछा जाए जैसे matchstick है, roller है, straight pillow है या फिर pillar है जो street light है, okay, street light का pillar है तो वो meter में आएगा. leaf है तो वो आएगा centimeter. distance to ground from home, distance to ground for home तो आपके नजदीक में अगर कोई ground है तो वहाँ से home तक का distance कितना होगा तो वो हो जाएगा आपका किलोमीटर या फिर मीटर. नजदीक है तो मीटर. आप इतना लिख लीजिए. तो यहाँ पे हमने आज सिंपल सी दो चीजें सीखी. क्या सीखा? तो फिल इन द ब्लैंक्स. तो मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मीटर या किलोमीटर, जिसमें भी कन्वर्ट करना है. सिंपल सी थिंग्स है जो आपको याद रखनी है. एंड यहाँ पे ये जो यूनिट किस तरह से यूज किया जाता है वो भी मैंने आपको अच्छे से एंड डिजिटल में भी दिखाया था तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा अभी इस चैप्टर की सारी चीजें. ओके, तो आज का ये चैप्टर यहीं पे स्टॉप करें. नेक्स्ट वीडियो में हम ये नेक्स्ट चैप्टर जो सेट्स वाला है, सेट्स एंड डिजाइन, वो स्टार्ट करेंगे. क्योंकि अभी ये रिविजन चल रहा है तो मैक्सिमम मैं वही चीजें कराई हूँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही थी. ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का रिविजन स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू सो मच.